सो वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो बिना किसी देरी शुरू करते हैं। जो हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 5, वर्क एनर्जी पावर, उसमें अब तक हमने कुछ 50 क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व किए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें। When a spring is subjected to 4 newton force, its length is a meter, ठीक है? And if 5 newton is applied, length is b meter. And if 9 newton is applied, then its length is. हमें पता है कि जो स्प्रिंग फोर्स का फार्मूला होता है वो हम के इंटू एक्स लेते हैं, ठीक है? के इंटू एक्स। अगर 4 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है तो कुछ एक नेचुरल लेंथ में कह रहता हूँ, ये लेंथ तक क्या होता है उसे खींचा जाता है, यानी एक्सटेंड होती है लेंथ। तो टोटल ए हुआ है, तो एक और नेचुरल लेंथ होगी एल नॉट, ठीक है? अगर कुछ लेंथ हुई, अगर हम उसे फोर्स लगा रहे हैं तो क्या होगा, लेंथ बढ़ जाएगी। पर नेचुरल लेंथ से जो ए लेंथ है वो बड़ी होगी, तो ए माइनस एल नॉट, ठीक है? और अब फोर्स कितना है, 4 न्यूटन। इसे मैं सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू KA माइनस KL नॉट, ठीक है? दूसरी कंडीशन दिया है, जब 5 न्यूटन का फोर्स लगता है तो के और उसकी लेंथ जो हो जाती है वो बी हो जाती है, और इनिशियल एल नॉट, ठीक है? द सेकंड इक्वेशन। इसे सॉल्व करता हूँ तो आ जाएगा के बी माइनस के नॉट, सेकंड इक्वेशन। अब मैं करता हूँ इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, ठीक है? इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट 2, तो कुछ इस तरह आएगा। ये जाएगा के ए माइनस के एल नॉट माइनस ऑफ 5 माइनस ऑफ के बी प्लस के एल नॉट। देखो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ठीक है? सो 4 माइनस 5 माइनस 1 बचेगा, और ये आएगा के ए माइनस के बी। अगर यहाँ से मैं के कॉमन लेता हूँ तो आ जाएगा ए माइनस बी। सो मैं यहाँ से के की वैल्यू लिखूँगा -1/a-b, या फिर अगर b-1 लिखूँ तो ये माइनस क्या होगा, ऊपर का कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? ये रही k की वैल्यू। और अब मैं क्या करता हूँ, ये k की वैल्यू इक्वेशन 3 नंबर देके इस इक्वेशन 1 में क्या करता हूँ, पुट करता हूँ। सो पुट इक्वेशन 3 इन 1, ठीक है? तो जाएगा 4 इज इक्वल टू, इस इक्वेशन में पुट करता हूँ, ठीक है? वन नहीं, ए में पुट करता हूँ। तो के तो पहले से कॉमन है, तो बी माइनस ए हो जाएगा, ए एल नॉट, ठीक है? यहाँ से मुझे क्या होगा, एल नॉट की वैल्यू मिलेगी। सो ये जाएगी ए माइनस एल नॉट, 4b-5 इज इक्वल टू -L0। सो एल नॉट की वैल्यू 5a-4b, ठीक है? इसे इक्वेशन 5। अब जो न्यू कंडीशन दिया है, यानी 9 न्यूटन जब हम फोर्स लगाते हैं तब कितना लेंथ बढ़ेगा वो हमें फाइंड करना है। तो 9 न्यूटन जब लाएंगे तो हो जाएगा के इंटू
मान लो मैं से एल लेता हूँ, एल माइनस एल नॉट, जो एल नॉट या नेचुरल है, एल जितना वो लेंथ बढ़ेगी, तो यही एल हमें फाइंड करना है। सो 9 के क्यूल में पता है 1 माइनस 1 अपॉन b माइनस a। एल हमको फाइंड करना है, एल नॉट अभी अभी हमें पता किया है, हो जाएगा 5a प्लस 4b, ठीक है। सो हो जाएगा 9b माइनस 9a, इज इक्वल टू एल माइनस 5a प्लस 4b। तो हो जाएगा 9b माइनस 9a प्लस 5a माइनस 4b इक्वल्स टू एल। चलेगा -4a प्लस 5b एल, ठीक है ना, यानी एल इज इक्वल टू 5b माइनस 4a। सो 5b माइनस 4a ऑप्शन सी जो होगा वो सही ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है, अ पॉइंट मास एम इज मूविंग इन अ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस आर। ये वर्टिकल सर्कल है, मान लो कुछ इस तरह, ठीक है। क्या है वर्टिकल पॉइंट मास एम मूव इन वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस आर। जिसका एक रेडियस होगा सेंटर से, ठीक है, और एक पॉइंट मास क्या कर रहा है, मूव कर रहा है इस सर्कल के रेडियस पे, जिसका मास कितना है, स्मॉल एम। द वेलोसिटी ऑफ मास एम, जो यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी गिवन है वो है √7gr, आर फॉर रेडियस ऑफ द सर्कल एट द लोवेस्ट पॉइंट, यानी इसी पॉइंट भी, यही लोवेस्ट पॉइंट है। द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द लोवेस्ट पॉइंट इज, तो देखो यहाँ पे कुछ टेंशन क्रिएट होगा स्ट्रिंग पे, नीचे डाउनवर्ड एक फोर्स लगेगा mg, और मूव कर रहा है तो यानी mv² / r सेंट्रिपिटल फोर्स भी लगेगा। तो जो ये टेंशन है ये बैलेंस करेगा mg + mv² / r को, ठीक है। सो mg + m v के लिए अभी हमें गिवन है v² तो हो जाएगा 7gr, ठीक है, डिवाइड बाय r, सो r r से कटेगा, 7mg + mg ये आ जाएगा 8mg, सो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी 8mg, ठीक है। सो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा होगा, बी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 क्या करें, देखो मास एम इज अटैच्ड टू अ थिन वायर विद द वायर्ड इन अ वर्टिकल सर्कल, द वायर इज मोस्ट लाइकली टू ब्रेक वे द मास इज एट हाईएस्ट पॉइंट, तो नहीं वहाँ पे नहीं ब्रेक होगा क्योंकि सबसे कम फोर्स वही लगता है, वायर इज हॉरिजॉन्टल ये भी नहीं होगा, द मास इज एट द लोएस्ट पॉइंट, ऑप्शन सी होगा। प्रीवियस ये मतलब प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा है सबसे ज़्यादा टेंशन कहाँ होता है, लोएस्ट पॉइंट भी होता है। सो क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट एंड स्लाइडिंग अलॉन्ग अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक फ्रॉम हाइट h, ठीक है, ये हाइट गिवन है h, जस्ट कंप्यूट अ वर्टिकल सर्कल ऑफ डायमीटर। एक क्या करा है, यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी, फिर इसने कंप्लीट रोटेशन किया एक, और इस ए टू बी यानी यहाँ का डिस्टेंस जो है वो हमें गिवन है d, ठीक है ना, यानी सर्कल का जो रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा, d/2, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, डायमीटर है। तो लेंथ h, ये है जो हाइट है, ये हमें कितना होगी फाइंड करना है। तो देखो हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे। सो सबसे पहले यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी रहेगी 0 क्योंकि रेस्ट पे,
और उसका पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा एम जी एच। ठीक है, फिर जब कंप्लीट रोटेशन करेगा एंड इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से रोटेशन शुरू करेगा और घूम के इसी पॉइंट पे आएगा, और अगर मैं इस पॉइंट को पोटेंशियल जीरो मानता हूँ इस पूरे रिलेक्सिस को, या भी उसकी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी रहेगी जो होगी हाफ एम वी स्क्वेयर, और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी जीरो। ठीक है, इस पॉइंट पे देखो वेलोसिटी कितनी होती है, जब अगर मैग्जी अगर एक कंप्लीट रोटेशन कर रहा है एक पार्टिकल सर्कल पे, तो इसकी वेलोसिटी होनी चाहिए अंडर रूट 5 gr। ठीक है, अंडर रूट 5 gr होनी चाहिए, तभी वो क्या करेगा कंप्लीट सर्कल फॉर्म करेगा। अगर इससे नीचे वैल्यू होगा हो जाएगी तो सर्कल पे नहीं होगा, आधे पाथ पे अपना सर्कल छोड़ देगा। सो अगर मैं यहाँ पे एम जी एच इजिकल टू हाफ एम वी की वैल्यू पुट करूँ यानी वी स्क्वेयर, तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 g, और आर जो है वो डी बाई टू में गिवन है, तो हम इसे लिखेंगे डी बाई टू। तो फिर ऐसे एम जी कर जाएगा एच आएगा 5/4, 2×2 4 d। ठीक है, सो आपका ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 55 आ रहा था। व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच अ बॉडी ऑफ मास एम मस्ट एंटर द वर्टिकल लूप ऑफ रेडियस आर सो दैट इट कंप्लीट वन लूप। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है कितना होना चाहिए, फाइव जी आर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कर रहा है, पार्टिकल ऑफ मास 10 kg। ठीक है, मास गिवन है इसका है 10 g यानी 10^-2 kg। ठीक, केजी में करूँगा, अलॉन्ग अ सर्कल रेडियस, सर्कल ऑफ रेडियस, सो रेडियस गिवन है 6.4 cm गिवन है, तो मैं 6.4 × 10^-2 m करता हूँ। ठीक है, विद कॉन्स्टेंट टेंजेंशियल एक्सलेशन, एक टेंजेंशियल एक्सलेशन कॉन्स्टेंट है। व्हाट इज द मैग्नेट ऑफ इट्स एक्सलेशन यानी टेंजेंशियल एक्सलेशन का मैग्नेट हमें पूछा है। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल बिकम्स इक्वल टू, यानी काइनेटिक एनर्जी कितना है 8×10^-4 j बाय द एंड ऑफ द सेकंड रेवोल्यूशन। ठीक है, एक पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन पे मूव कर रहा है, मान लो कुछ इस तरह से एक सर्कुलर मोशन पे मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ बनाता हूँ ताकि जगह बच जाए, उसकी रेडियस है आर, और उसने क्या किया है दो यानी रोटेशन किया, यानी एन इज इक्वल टू टू, 2 बार रोटेशन किया, तो डिस्टेंस कितना कवर किया उसने 4 πr। ठीक है, एक कंप्लीट रोटेशन के लिए 2 πr, दो के लिए 2 π और 4 πr। ठीक है, सो हमें फाइंड करना है द एंड ऑफ द सेकंड रेवोल्यूशन आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ द मोशन। तो जो टेंजेंशियल एक्सलेशन की मैग्नीट्यूड होगी जब मोशन स्टार्ट करने के बाद कितना होगा, वो एक्सलेशन हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे, टोटल वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, अब टोटल वर्क डन यानी देखो एक यहाँ पे वर्क डन हो रहा है जो सेंट्रीपेटल फोर्स कर रहा है, ठीक है, और एक जो इस डायरेक्शन में क्या है जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो वेरिएबल है। ठीक है ना, अगर वेरिएबल है तो इस डायरेक्शन में एक टेंजेंशियल फोर्स लग रहा होगा जो कि मास इंटू ए टेंजेंशियल की वजह से होगा। ठीक है, उसी वजह से क्या हो रहा है, इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। सो जिस डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो इसके अलॉन्ग है, तो यही फोर्स काउंट किया जाएगा ना कि सेंट्रीपेटल। सेंट्रीपेटल क्या है, डिस्प्लेसमेंट से परपेंडिकुलर है, तो उसका जो यानी वो क्या होगा जीरो हो जाएगा, उसका वर्क डन नहीं हम लेंगे। ठीक है, सो वर्क डन बाय टेंजेंशियल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी।
अब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है। इनिशियल में बॉडी रेस्ट भी थी, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है कि आफ्टर बिगिनिंग ऑफ द मोशन, अगर बिगिनिंग कर रहा है, शुरुआत कर रहा है, तो उसकी एनर्जी शुरुआत में क्या होगी, जीरो होगी। तो सिर्फ बची काइनेटिक एनर्जी फाइनल, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है 8 × 10⁻⁴ जूल, ठीक है। वर्क डन पर टेंजेंशियल फोर्स होगा, फोर्स में टेंजेंशियल फोर्स इंटू जो डिस्टेंस उसने कवर किया है, तो उसने डिस्टेंस कवर किया है 4π r, ठीक है ना, 8 × 10⁻⁴ जूल। सो टेंजेंशियल फोर्स इज इक्वल टू 8 × 10⁻⁷ जगह 4 × 3.40 π की वैल्यू इंटू आर, जो अभी हमने मतलब हमें क्वेश्चन में गिवन है 6.4 × 10⁻², ठीक है ना, मीटर में कन्वर्ट किया है। और पर हमें फाइंड करना है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड। तो FT जो फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स होता है, उसे हम मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, ठीक है। और मास जो है हमें फाइंड पता है कितना है, 10⁻²kg। सो आ जाएगा थोड़ा मैं आपसे, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, तो जाएगा 2 × 10⁻⁴ / 3.40 × 6.4 × 10⁻², 10⁻², ठीक है ना। ये मास में निकलेगा या फिर नीचे निकलेगा, बस ये सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ से ये पावर कट जाएंगे, चलेगा 2 × 1 = 2, ये जगह 3.2, ये जगह 1 / 3.40 × 3.2 समथिंग। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो अप्रोक्सीमेटली 0.1 m/s² आएगा, ठीक है। सो ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टोन इज टाइड टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल एंड इट्स व्हील्ड इन अ वर्टिकल सर्कल विद द ऑर्डर अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग एट द सेंटर। एट द सर्टन इंस्टेंट ऑफ टाइम द स्टोन इज एट द लोवेस्ट पॉइंट पोजिशन एंड हैज अ स्पीड यू, ठीक है। मान लो कुछ इस तरह की केस है हमारे पास, सर्कल है, यहाँ पे वेलोसिटी होगी कुछ गिवन है हमें यू, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी एज इट रीचेज द पोजिशन वेयर द स्ट्रिंग इज हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल स्ट्रिंग यानी जब पार्टिकल यहाँ हो जाएगा, यानी इन दोनों में जब 90 डिग्री होगा, तब उसकी कुछ वेलोसिटी होगी वी डैश, मान लेता हूँ। द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी इट रीचेज द पोजिशन वेयर द स्ट्रिंग इज हॉरिजेंटल इज, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है चेंज इन वेलोसिटी यानी उसका मैग्नीट्यूड, यानी वी डैश माइनस यू की वैल्यू फाइंड करनी है। और ठीक है, और यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का वेक्टर एडिशन करेंगे हम, ठीक है ना, वेक्टर से रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे। तो ये हो जाएगा वी डैश स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर अंडर रूट, क्या हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गई, यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन है, यहाँ पे अलॉन्ग द एक्स एक्सिस डायरेक्शन है, ठीक है ना। तो सीधा हम ऐड नहीं कर सकते या फिर सबट्रैक्ट नहीं कर सकते। सो कुछ यहाँ तो अब हमारा टास्क है, हमारे पास यू स्क्वायर तो है, हमें वी डैश की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो अगर मान लो कुछ यहाँ पे अगर बॉब आता है तो उसकी वेलोसिटी होती है वी, मान लेते हैं कैपिटल वी, ठीक है ना। और ये जो एंगल होगा वो होगा थीटा। अगर मैं मोमेंट मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाओ, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी COME, तो देखो यहाँ पे कुछ इसकी वेलोसिटी ½ mv² इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, प्लस अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मानता हूँ, तो यहाँ से डाउनवर्ड यानी माइनस
माइनस एम जी एच, ठीक है, इसकी अगर मैं हाइट एच मान लें रेडियस, ये गई इनिशियल करंट एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और फाइनल यानी यहाँ पे, ठीक है, ये हो जाएगा हाफ एम कैपिटल वी स्क्वेयर माइनस, ठीक है ना, अगर ये लेंथ एच, ये भी एच ही होगी, पर इसका अगर मैं कंपोनेंट लूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा एम जी एच कॉस थीटा, ठीक है ना, क्योंकि पोटेंशियल हम इस डायरेक्शन में तो नहीं लेंगे, हम लेंगे सिर्फ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, सो इसका कंपोनेंट यहाँ पे आ जाएगा एच कॉस थीटा, तो यहाँ से देखो एम 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 कैंसिल हो जाएगा, ये जगह यू स्क्वायर बाय टू माइनस जी एच, सो ये जी एच कॉस थीटा इधर आ जाएगा प्लस जी एच कॉस थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय टू, ठीक है ना, कैपिटल वी स्क्वायर बाय टू, सो ये आ जाएगा यू स्क्वायर बाय टू प्लस जी एच कॉस थीटा माइनस वन, जी एच कॉमन लेता हूँ, वी स्क्वायर बाय टू, ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ पे कैपिटल वी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी यू स्क्वायर प्लस टू टाइम्स जी एच कॉस थीटा माइनस वन, ठीक है, पर कंडीशन हमें गिवन है कि अगर थीटा 90 होता है तो वी डैश की वैल्यू हमें फाइंड हमें पता चल जाएगी, ठीक है, कब, जब थीटा 90 होगा, अभी हमने क्या निकाला है, ये जो कैपिटल वी है इसकी वेलोसिटी निकाली है जब किसी एंगल थीटा पे था, पर क्वेश्चन में गिवन है जब ये हॉरिजेंटल होगा यानी 90 डिग्री होगा तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो हमने ये जो फॉर्मूला डिराइव किया है वो हर थीटा के लिए, ठीक है, कोई भी एंगल हम ले सकते, पर अब हम लेंगे 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पर इसकी वेलोसिटी है वी डैश स्क्वेयर, ठीक है ना, ठीक है, वी डैश स्क्वेयर यू स्क्वेयर वो वैसे ही रहेगा, कॉस 90 होता है ज़ीरो, तो ये रहेगा माइनस टू जी एच, ठीक है, वी डैश स्क्वेयर की वैल्यू, अब हमें वैल्यूज गिवन है यानी हमें चेंज इन वेलोसिटी जो निकालना था हम निकाल सकते हैं, अंडर रूट वी डैश स्क्वेयर यानी इस इक्वेशन को देखो तो हमें वैल्यू पता चल जाए, ये हो जाएगा वी स्क्वेयर माइनस टू जी एच रूट स्क्वेयर से कैंसिल हो जाएगा, अगर मैं ये स्क्वेयर को इधर रूट ले लूँ, ठीक है, मैं अगर तो यहाँ पे सीधा रूट ले लेता हूँ और यहाँ से स्क्वेयर मिटा देता हूँ, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो, तो रूट स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा प्लस यू स्क्वेयर, तो यह जाएगा अंडर रूट टू टाइम्स यू स्क्वेयर माइनस टू जी एच, ठीक है, यहाँ से अगर टू कॉमन लेता हूँ तो अंदर बचेगा यू स्क्वेयर माइनस जी एच अंडर रूट, तो ये हो जाएगा आपका आंसर चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी टू यू स्क्वेयर माइनस जी एच। अब यहाँ देखो एल दिया है यानी जैसे हमने इसका रेडियस एच लिया तो क्वेश्चन में एल था, ठीक है ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम क्या करेंगे सब बस एच को एल से रिप्लेस कर देंगे, सिंपल, ठीक है ना, तो अंडर रूट टू म्यू स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस जी एल, तो ऑप्शन क्या होगा ऐसे डी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, मास इज परफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन इफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीज देन एट विच पॉइंट द स्ट्रिंग विल ब्रेक, या अभी देखो बी पे क्या होगा स्ट्रिंग ब्रेक होगा, ये सबसे ज़्यादा टेंशन यही पे होता है क्रिएट होता है, ठीक है, 58 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाटरफॉल्स फ्रॉम अ हाइट 60 मीटर एट द रेट ऑफ 50 मीटर पर सेकंड टू द ऑपरेटर टर्बाइन, ठीक, टर्बाइन आपको पता ही होगा टर्बाइन का मैकेनिज्म किस तरह होता है, किसी पर्टिकुलर हाइट से क्या होता है फ्लो ऑफ वाटर होता है और टर्बाइन क्या करता है घूमता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, पर 100% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पाता, कुछ ना कुछ लॉस होता है, तो वही लॉस हमें गिवन है, द लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन फोर्स आर 10%, ठीक, 10% फ्रिक्शन फोर्स की वजह से लॉस हुआ एनर्जी में, तो बची कितनी 90% एनर्जी ऑफ द इनपुट एनर्जी, तो जो पावर है द हाउ मच पावर इज जनरेट बाय द टर्बाइन हमें फाइंड करना है। देखो सबसे पहले पावर का फार्मूला होता है
डेल डब्ल्यू बाई डेल टी यानी चेंज इन वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और वर्क डन होता है एम जी एच यानी वर्क डन बाय ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से क्या हो रहा है, जो वाटर है ऊपर से नीचे फ्लो हो रहा है, यानी 60 मीटर से नीचे फ्लो हो रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो जी और एच का एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, जी भी कॉन्स्टेंट है, एच भी कॉन्स्टेंट है, एच भी बचेगा डी एम बाई डी टी यानी रेट ऑफ मास पर यूनिट टाइम से जो वाटर गिरेगा ये वो है डी एम बाई डी टी। तो डी एम बाई डी टी के बारे में फाइंड ऑलरेडी पता है 15 kg/s से क्या होता है, वो धीरे धीरे पर टाइम में गिर रहा है। ठीक है ना, उसका रेट गिवन है। तो बस हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, जी पता है हमें 60, एच भी पता है, डी एम बाई डी टी यानी 50 पता है, पर कितना पावर 10% लॉस हो रहा है, तो बच कितना रहा है 90%, तो मल्टीप्लाइड बाय 90%, ये मत आप भूल जाना। तो ये 10 × 16 × 15 × 19/100, तो ये देखो ये से कट जाएगा, तो ये बचेगा 8100 वैट, तो ये जगह 8.1 kW, सो ऑप्शन ए ऐसे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉडी स्टार्ट मूविंग यूनि डायरेक्शनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टेंट पावर, पावर क्या है कॉन्स्टेंट है। विच ऑफ द ग्राफ करेक्ट शोज द वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। देखो सबसे पहले देखो पावर का फार्मूला होता है वर्क डन बाय टाइम, वर्क डन को हम लिखते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम। अब मान लो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 मान लेते हैं कि रेस से शुरू हुआ है, तो फाइनल काइनेटिक हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर बाय टी। ठीक है, अगर पी अगर मैं टी को इस तरफ लेके जाऊँ यानी टी टी पी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, या फिर देखो पी हमें क्वेश्चन में क्यों है कॉन्स्टेंट है, हाफ एम भी क्या होगा कॉन्स्टेंट ही होगा, हाफ तो कॉन्स्टेंट ही, एम मास है वो भी कॉन्स्टेंट होगा, तो यहाँ से वी स्क्वेयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, सो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रिस्ट पावर 1/2 में लिख सकता हूँ, और वी को लिखता हूँ मैं डेल एस बाय डेल टी। ठीक है, इक्वल्स टू टी रिस्ट पावर 1/2 या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सो डेल एस यहाँ भी हो जाएगा टी रिस्ट पावर 1/2 डी टी। अगर मैं दोनों को इंटीग्रेट करता हूँ तो एस इज इक्वल टू टी रिस्ट टू पावर 3/2 2/3 आ जाएगा, यानी एस जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टी रिस्ट टू पावर 3/2। ठीक है, यानी ये जो होगा डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ होगा जो इसे शो करेगा, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह होगा। ठीक है, टी और एस का इंक्रीजिंग, अगर आप इस इक्वेशन को अच्छे से देखो तो क्या होगा, पहले इस केस में डाउनवर्ड डिक्रीजिंग है, तो ये डिक्रीजिंग तो नहीं होगा, स्ट्रेट है, यानी ये जो है एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसमें ए सी कॉन्स्टेंट है, यही नहीं होगा, तो बचाइए, सो ऑप्शन डी होगा जो कि सही जवाब होगा। ठीक है, सो आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। आपको अगर किसी भी प्रकार की क्यूरीज होती है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, सो मैं ट्राई करूँगा आपके क्वेश्चंस का आंसर देने का। ठीक है, सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।